मात्र 250 करोड़ रुपए हुआ। काफी शिकायतें हुई, काफी किसानों ने आंदोलन करे और हमने स्टैक स्टेट लेवल असेसमेंट टेक्निकल कमेटी के पास गए। मैम पिछले 8 महीने से स्टैक की कोई कमेटी की मीटिंग नहीं बैठी गई, किसान धरने पे बैठे हुए हैं। गलत बीमा कंपनी ने गलत प्रीमियम सही लेते हुए क्लेम डिस्बर्समेंट गलत किया और किसानों को इसके खिलाफ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आज मैडम 450 करोड़ रुपया क्लेम पेंडिंग पड़ा है, पिछले 2-3 साल से मैम पेंडिंग पड़ा हुआ है और मैं आपके मार्फत राजस्थान सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि स्टैक की मीटिंग को जल्द से जल्द बुलाया जाए और किसानों को स्टैक जो खरीफ 2021 का क्लेम 550 करोड़ पेंडिंग पड़ा हुआ वो डिस्पर्स किया जाए। और साथ ही साथ मैडम हम 2024 खरीफ का प्रीमियम 31 जुलाई को पे कर चुके हैं, आज तक 2023 खरीफ का भी क्लेम डिसबर्समेंट नहीं हुआ है। इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो मेन एसेंस थी उसको ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। किसान एक एक साल तक वेट करते हैं और प्रीमियम मिलता नहीं है। मंत्री महोदय ने बात कही थी कि 12% का ब्याज दिया जाएगा अगर किसान को डिसबर्समेंट क्लेम का लेट होता है तो। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 2021 का क्लेम विद ब्याज किसानों को जल्द से जल्द आवंटन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री के नमस्कनी जी।